हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.5 यानी 3.5 का जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में पार्ट दिए गए हैं, पहला दूसरा, इनको क्लियर करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होते तो तीसरा सवाल भी देख लेंगे, कि क्योंकि फिर चौथे पार्ट में फिर हमारे पार्ट चल जाएंगे, चौथे सवाल में फिर हमारे पार्ट चलेंगे, पाँच पार्ट उसमें, तो कोशिश तो यही करेंगे दूसरा और तीसरा करने की, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। भाई अपरिमित रूप का अनेक हल होंगे कब होते हैं, जब तीनों ही कंडीशन हमारे बराबर होते हैं, भाई ए वन बी वन सी वन वाली तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। तो हमें ए और बी के मान बताने हैं, ठीक है। तो वही समीकरण बना के कंपेयर करनी है, बस कर देंगे। तो देखो अब हम करते हैं, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ हम एक्सरसाइज लिख देंगे। एक्सरसाइज जो है हमारा वो है 3.5। अब क्वेश्चन टू का पहला पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या, क्वेश्चन टू के पहले पार्ट में 2x + 3y बराबर कितना, 7 बराबर कितना, 7। तो इसको पहले जीरो बना लो, पहले 2x + 3y - 7 बराबर क्यों जीरो, ये होगी समीकरण ए, समीकरण क्या हो गई, एक हो गई। अब ऐसे ही दूसरी क्या है जी, भाई ए माइनस के बी ब्रैकेट में पीछे से एक्स है, प्लस ऐसी ए प्लस बी पीछे से क्या वाई, इस तरीके से है, और बराबर में क्या है 3a + b - 2। अब देखो एक बात ध्यान देना, अब इसमें क्या संख्या माने, ये पूरी की पूरी संख्या, पूरी इधर को लाएंगे तो पूरी माइनस भी कर देंगे इसको, ठीक है। इसको ला करके फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, फिर तुलना कर देंगे। देखो ऐसा भाई a माइनस के बी पीछे से एक्स, और ऐसी a प्लस के बी पीछे से वाई, अब इसको लाओ माइनस, इसको पूरे में ब्रैकेट में लगा दो, इसको 3a + b - 2, ये पूरा का पूरा आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर का जीरो, योगी समीकरण दो। अब तुलना करनी है, अब देखो कैसे तुलना, अब अगर तुम्हें समीकरण ना, समीकरण एक में दो की तुलना किससे करेंगे, a1 x ऐसी b1 y ऐसी c1 ऐसे करके, तो उससे तुलना कर दो या डायरेक्ट लिख दो। अब देखो a1 की वैल्यू को समीकरण एक से, जैसे कि भाई a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, ऐसी b1 की वैल्यू कितनी 3, ऐसी c1 की वैल्यू कितनी माइनस के साथ ऐसे करके। अब ऐसी a2 की वैल्यू कितनी है, अब देखो a2 की वैल्यू x के साथ जो भी होगी वो है, तो यानी कि a माइनस के b। ऐसी b2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस के b। अब बताओ मुझे c2 की वैल्यू बताओ, तो c2 की वैल्यू पूरी लिखी जाएगी, वो भी कहाँ में लिखी जाएगी, माइनस में, यानी कि माइनस में लिखी जाएगी क्योंकि माइनस में है, है? तो देखो माइनस करके ऐसे 3a + b - 2 इस तरीके से। अब बस अब तुलना कर दो, अब क्या कर देंगे तुलना, कैसा है भाई a1/a2 ऐसा करके ऐसे लिख दो ना, अब जब तो पता चलेगा हमें भाई। अब इसने हमसे एक बात और बोली है, इसने ये बोला कि तब में के अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल के लिए कौन से लिखेंगे, यहां लिख देंगे ना अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म के लिए अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे इस तरीके से। अब बस फॉर्मूले लगा दो, कौन सा अनेक हल के लिए बताओ जरा, क्या बता रहा है अनेक हल के लिए, जब तीनों ही बराबर में हो जाते हैं। देखो a1/a2 b1/b2 ऐसी c1/c2 इस तरीके से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अब हमारी a1 की वैल्यू क्या आ जी 2, और ऐसे हमारी a2 की वैल्यू क्या a - b, ऐसी b1 की वैल्यू क्या 3, b2 की क्या आ जी a + b, ऐसी c1 की क्या आ जी माइनस के सेवन, और ऐसी हमारे पास c2 की वैल्यू क्या -3a + b - 2। अब इस माइनस से तो ये माइनस हट जाएगा, ऐसे कर लो या माइनस से माइनस हटा दो। अब देखो इसको तो मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, और इसको मान लो थर्ड। अब हमें पता क्या करना,
अब तुम्हारी मर्जी है, तीनों को क्या आपस में कैसे भी कर लो, या तो पहले पहली और दूसरी से कर लो, या दूसरी और तीसरी से कर लो, जैसे आपकी मर्जी है ऐसे कर लो, या पहली तीसरी से कर लो, या दूसरी तीसरी से कर लो, या दूसरी पहली से कर लो, कैसे भी कर लो। तो यहां लिख दो हम पहले वे दूसरे से, ऐसा कर लेते हैं, पहले वे दूसरे से, पहले वे दूसरे से ऐसे कर लेते, पहले वे दूसरे से कर लो, या बताओ जैसे भी आपकी मर्जी ऐसा कर लो, पहले वे दूसरे से कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब कैसा, पहले वे दूसरे से, इधर लिख देते, पहले वे दूसरे से, पहले वे दूसरे से। ठीक है, अब पहला क्या आ जाए हमारा भाई, पहला क्या जल्दी बताओ, देख लो जी भाई, 2/a-kb और 3/a+kb, इस तरीके से। तो अब इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, तो देखो इसकी तो इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, तो तीन की इधर करेंगे 3a-kb, अब तीन की इसमें भी होगी तो 3b, ऐसे करना है। ठीक है, बराबर ऐसे। अब 2 की a में करेंगे 2a+k, 2 की b में करेंगे 2b, हो जाएगा 2b, ऐसे। अब इसको समीकरण ए बी वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ, ऐसा करना है ना इनको, ऐसा बनानी है। तो बताओ कैसे बनाएंगे, सोचो जल्दी जल्दी बनाओ, बना दे। देखो अब 3a और ये माइनस का 2a, ऐसे माइनस के 3b और माइनस के 2b, बराबर क्या हो गया 0, इस तरीके से है भाई। 3a 2 में क्या गए 1a, और ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 2, तो माइनस के 5b, बराबर क्या हो गया 0, ये बने। अब ये समीकरण हम क्या मान लेंगे इसको बताओ, पहले हमने पहली दूसरी मानी थी, ये तीसरी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे तीसरी, क्योंकि पहली दूसरी हमने उधर मान ली, हाँ तीसरी बनेंगे। अब ऐसे ही उसका करो, अब कौन कौन से बने, दूसरी वे तीसरी से कर लो, दूसरे वे तीसरे से कर लो, ऐसे कर लो, दूसरे वे तीसरे से, दूसरे वे तीसरे से। अब दूसरा क्या हमारे पास ये है भाई, अब दूसरा क्या हमारे पास ये बताओ, 3a+b। अब उधर क्या था हमारा बताओ जरा, 7, क्या था हमारे पास 7 था, 7/2। अब ऐसे क्या था, 3a+kb-2, यही तो था, बस अब कर देंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, 7 किस में करेंगे 7a, और ये हो जाएगा 7b, क्या हो जाएगा ये 7b, 3 की इधर कर दो, 3 3a 9a, और 3b, और 3 2 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब संख्या वाले एक तरफ और ए बी वाले एक तरफ, ये देखो 7a 7a, क्या हो जाएगा ये 7a, और ये जो माइनस का 9a, और ऐसी 7 भी अपनी जगह पे ही है, और ये -3b, और ये 6 उधर ऐसी ही -6 ऐसी ही। अब देखो काय के ज्यादा है इसमें, माइनस के कितने 2a, और ये 7b 3b, 4b, बार कहते हो -6। अब चाहो तो इसमें तुम दो कॉमन भी ले सकते हो, 2 भी कॉमन ले सकते हो माइनस भी, क्योंकि माइनस इसको हटा सकते हो, -2 ये कॉमन ले लो, दो खाली दो कॉमन ले लो, तो माइनस मारेंगे 2 से 2 आता तो a, और माइनस की प्लस में करेंगे तो क्या माइनस, और 2 2 4, ये हो जाएगा b, और ये -6 ऐसे ही रहेगा। अब ये -2 इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है, इधर कर देंगे, अब यहाँ इधर आधे पेज पर कर देते हैं। तो देखो अब हमारा हो जाएगा a-2b बराबर -6 और -2 आ जाएगा बटे में। अब माइनस और माइनस के 2 के बाद 3 बार कर, तो a-2b बराबर होगा 3, ये होगी समीकरण 4, ये हो गए, बताओ देखो कोई गलती तो नहीं की हमने, a-2b बराबर -3, ओ +3 बराबर क्या हमारे पास समीकरण 4 होगी। अब देखो या तो विलोपन से कर लो, या प्रतिस्थापन से कर लो, कैसे भी कर लो, ए बी की वैल्यू निकाल दो। अब बताओ कैसे करोगे, प्रतिस्थापन से करोगे कैसे करोगे बताओ, जैसे भी आपकी मर्जी ना ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ कर दो, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन, यो विलोपन विधि से, विलोपन आसान है, विलोपन विधि से कर देंगे भाई, इसको क्या कर देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या, आज देखो भाई ये हमारे पास क्या समीकरण 3, देखो a-5b बराबर 0 है। अब लेकिन 4 क्या हमारे पास, a-2b बराबर 3 है। तो देखो अब यहाँ भी a है, और देखो यहाँ भी a है, अब दोनों के a सेम और निशान a है, दोनों में कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये भी प्लस का, ये प्लस का, समीकरण 3 में से 4 को घटा दो, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर ऐसे करके लिख दो, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, घटाने पर ऐसे करके लिख देंगे,
तो देखो अब समीकरण तीन क्या दिए, ए माइनस के फाइव बी बराबर में जीरो। अब चार क्या हमारे पास, ए माइनस के टू बी बराबर में तीन, ठीक है। अब ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, और ये प्लस का तो ये माइनस। अब ए से ए कट गया, ये प्लस के टू भी है माइनस के फाइव भी है, तो बच्चों क्या जाता है प्लस के ज्यादा है, तो प्लस के ओ प्लस के काय को माइनस के ज्यादा है, माइनस की तो तीन थ्री भी, और ये माइनस के तीन है जीरो ऐसे, तो माइनस के तीन ऐसी रहेगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना तीन, और ये कहा जाएगा तीन बटे में, इस तरीके से है। तो तीन से तीन एक बार, तो बी की वैल्यू कितना वन आ गई जी। अब वी का मान समीकरण कोई सी में भी रख दो, चाहे तीन में रख दो या चार में रख दो, ऐसा कर लो ठीक है। तो बी की वैल्यू मिला कर लो एक आ गई, तो वी का मान यहां लिख देंगे, बी का मान समीकरण तीन में रखने पर ठीक है जी। अब देखो अब समीकरण तीन क्या हमारे, ए माइनस के फाइव बी बराबर में जीरो, तो ए माइनस पांच गुणा एक तो बराबर जीरो हो गया। तो अब ए हमारे पांच एकम पांच बराबर क्या जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई पांच आ गई ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई पांच आ गई, क्योंकि माइनस के इधर आके प्लस होगा, तो ए की वैल्यू होगी पांच। अब मिला लो उत्तर जल्दी से, तो ए की वैल्यू होगी पांच, अतः ए की मान पांच और बी का मान ऐसे करके लिख देंगे ठीक है। यहाँ लिख देंगे लास्ट में अतः करके लिख दो अतः इतना, तो ये हमारा ऐसे कर लेंगे। तो ये है, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, यहाँ तक इसका यहाँ तक ले लो, इधर ले लो यहाँ से, फिर इधर ले लो, ये ले लो ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट, जल्दी जल्दी देख लो दूसरा पार्ट, वीडियो लेंथ होने के टारगेट बहुत बड़ा है। पढ़ो जल्दी सवाल, पढ़ो दूसरा पार्ट, पढ़ो जल्दी से। कहाँ गया भाई, कहाँ गए ये रे, कहाँ गए, इधर है। के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं का कब आ रहा बताओ जरा मुझे, कोई हल के लिए कौन से बताओ, कौन से लगाएंगे भाई, वही लगाएंगे सी ए बन अपोन में ए टू, बी बन अपोन में बी टू बराबर हो जाएंगे। अब लेकिन सी बन अपोन सी टू ये बराबर नहीं होंगे, कोई हल नहीं है तो वो अलग जो जिसमें समांतर रेखा आकृति ठीक है ना, तो वो वाले लगा देंगे बस, इसमें भी फर्स्ट सेकंड ऐसे कर लेंगे, इसमें करने की जरूरत क्योंकि तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो देखो करो, देखो सवाल जल्दी लिख लो, सवाल लिखो जल्दी से, ये आसान है थोड़ा उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे इस पर हमने क्वेश्चन लिख दिया था, दूसरे का पैदा, अब ऐसे इसमें लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन दूसरे का दूसरा, क्वेश्चन दूसरे का दूसरा पार्ट है ये। अब इसमें क्या जी, देखो थ्री एक्स प्लस के वाई बराबर वन है, है जी वन है, तो देखो योग्य अब इसको वन है तो इधर क्या मान लो आपका, चलो मैं बिना जीरो के मान के करता हूँ ठीक है, आप भी यही कहोगे बार बार जीरो मानते हैं ठीक है, आपका मैं बिना इसके कर दे रहा हूँ है। तो देखो टू के माइनस के वन पीछे से एक्स प्लस के माइनस के वन पीछे से वाई बराबर में टू के प्लस के वन, ये हो गया है। तो ये होगी समीकरण दो ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ बिना माने, तो वही कंपेयर कर दो तुलना करने पर, क्या लिख देंगे अब यहाँ पे तुलना करने पर, किससे वो समीकरण जो आते हैं हमारे ए वन एक्स और बी वन वाई ये वाली, इससे तुलना करने पर ऐसे करके लिख देंगे ना। तो देखो अब बताओ जल्दी ऐसे कर दो ना, तो अब बताओ ए वन की वैल्यू कितनी बताओ जरा तीन, ऐसी बी वन की वैल्यू कितनी है वन ठीक है ना, ऐसी सी वन की वैल्यू कितनी है वन, ऐसी ए टू की वैल्यू कितनी है टू के माइनस के वन, और ऐसे ही बी टू की वैल्यू कितनी है के माइनस के वन, सी टू की वैल्यू कितनी है टू के प्लस के वन ठीक है। अब कर दो, अब यहाँ क्या करेंगे, अब हमने इनकी तुलना कर दी जी, अब लिखो युग्म का कोई हल नहीं है, रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है चूंकि, ओ चूंकि का निशा लगा इसलिए एक अलग चूंकि, ये चूंकि के होता है, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो लगा दो, अब सूत्र लगा दो, कौन सा लगा दो, देखो मैं ए वन अपोन में ए टू बराबर बी वन अपोन में बी टू ऐसी सी वन अपोन में सी टू, लेकिन क्या अब कोई हल के लिए क्या करते, इसको बराबर नहीं करते तो इसको नहीं लेंगे, तो इन दोनों को ही लेना अब आसाम, क्योंकि ये तो बराबर नहीं तो इसको हटाओ। तो अब ए वन की वैल्यू कितनी है तीन, और ऐसी इसकी कितनी है हमारे पास ए टू की टू के
माइनस के वन, ऐसी बी वन की वैल्यू कितने वन और बी टू कितने के माइनस के वन, बस अब कर दो। अब इसमें वन टू थ्री करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उत्तर पा जाओ। देखो उत्तर एकदम मिलेगा हमें करंट में एकदम। देखो तीन की इधर करेंगे थ्री के और तीन एकम तीन, अब दो, अब एक की इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो टू के एकम टू के और वन बन जाओ वन। अब देखो के वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ, देखो थ्री के और माइनस के टू के बराबर माइनस के वन ऐसे, और ये आएगा प्लस के थ्री, ठीक है। तो थ्री के में थ्री टू के में क्या बचा, के बचा, क्योंकि तीन में दो का एक बचा और तीन में से गया दो बचा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई दो आ गई। देखो कितना आसान सवाल था ये तो, बहुत आसान सवाल, तो भाई ये तो मक्खन था, ये तो भाई इसमें तो धूम मचा दी भाई, धूम मचा दी सवाल में तो, इसमें तो धूम मच गई भाई, ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है। ये देखो अब इसको यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, फिर इसका ले लो इतना, ये हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब हम तीसरा भी इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है, तीसरा सवाल इसमें करेंगे। देखिए तीसरा थोड़ा में दो काम है भाई, देखो अब दो काम है इसमें तीसरे वाले में, ये तो आसान था, तीसरा वाला भी चलो इसी में करा देते हैं फिर, ठीक है ना, फिर चौथा सवाल बचेगा, चौथा फिर देखते हैं, फिर पार्ट वाइज कराएंगे। तीसरा सवाल ये रहा इधर, कहोगे अरे कहाँ चला गया, मेरा ये तीसरा सवाल है। निम्न रैखिक समय के युग्मों को प्रतिस्थापन काज करना है, तो प्रतिस्थापन एक करा बर्जगुणन विधि से, बर्जगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयोग मानते हैं, ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ कौन सी विधि आप ज्यादा उपयोग मांगते हैं वो लिख देना, ठीक है। वैसे तो प्रतिस्थापन ही ज्यादा है, बर्जगुणन तो थोड़ी टफ सी होती है ना, तो प्रतिस्थापन ही है सही, तो बस दोनों को प्रतिस्थापन से भी करना, विलोप उससे भी करना, बर्जगुणन से भी, ठीक है। तो मैं इसमें जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि इसमें दोनों ही विधि है, ठीक है, तो ठीक है ना। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन कैसा है थ्री, क्वेश्चन इसमें पार्ट नहीं है, ओनली क्वेश्चन थ्री है इसमें, ठीक है। तो अब सवाल क्या है ये लिख देते हैं हम भाई आठ एक्स। अब मैं इसको जल्दी से करूंगा, क्यों क्यों करूंगा बताओ जल्दी जल्दी इस सवाल को मैं, क्योंकि प्रतिस्थापन में हमने सीख रखी है और बजगुणन भी हमने सीख रखी है। आठ एक्स प्लस के पांच वाई बराबर कितना नौ, तो एक काम करो बराबर जीरो मान लो, क्योंकि अब सबसे पहले हमने बराबर जीरो नहीं माना, ऐसे तो दोनों सवाल ऐसे तो जीरो मानो या मतलब मानो हो जाते हैं। देखो आठ एक्स प्लस के पांच वाई माइनस के नौ बराबर क्योंकि जीरो, समीकरण होगी एक। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। तो अब दूसरी क्या हमारे पास, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर कितना चार, ठीक है। अब देखो थ्री एक्स प्लस के टू वाई माइनस के चार बराबर क्योंकि जीरो, योगी समीकरण दो, ठीक है, ये हो गई इस तरीके से। अब हम समीकरण एक में दो से ओ अब भैया हम क्या करेंगे बताओ, पहले कौन सी विधि करोगे आप बताओ जल्दी, प्रतिस्थापन विधि से कर ले या बजगुणन से कर ले मैं। तो देखो पहले कौन आई थी इसमें प्रतिस्थापन है, तो प्रतिस्थापन विधि से लिख देंगे, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से हल, तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो अब वो इस प्रतिस्थापन का रूल क्या, अगर समीकरण एक से करोगे तो दो में रखोगे, दो से करो तो एक में रखोगे, बस छुट्टी होगा काम। तो लिखो समीकरण एक से, अब यहां क्या कर देंगे भाई समीकरण एक से, अब समीकरण एक क्या हमारे पास आठ एक्स प्लस के पांच वाई और माइनस के नौ बराबर क्योंकि जीरो, ठीक है। अब देखो अब हमें तो आठ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस के नौ तो इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस के पांच तो पांच माइनस के हो जाएगा इस तरीके, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, नाइन माइनस के पांच और बटे में आठ, ये हो गया समीकरण तीन, इस तरीके से हो जाएगा समीकरण तीन। अब x की वैल्यू समीकरण तीन, अब x का मान समीकरण दो में रख दो, x का मान समीकरण दो में रखने पर यहां लिख देंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, अब ये क्या हमारे पास तीन x प्लस के टू वाई माइनस के चार बराबर क्या जीरो, ये हमारे समीकरण है। अब देखो तीन ऐसे ही, अब x का मान कितना नौ माइनस के पांच वाई और बटे में कितना आठ, ठीक है, ये हमने रख दिया, और प्लस में कितना टू वाई और माइनस के चार बराबर क्या जीरो, इस तरीके से है। तो देखो अब हल करते हैं इसको, इधर ही कर देता हूं मैं, ठीक है, इधर आधे पोर्शन पे आधे। अब देखो तीन से तो आठ करेगा, तीन की गुणा इसके अंदर तीन निम सत्ताईस, क्या कर देंगे तीन निम सत्ताईस हो जाएगा ये,
15 माइनस के 15 वाई और बटे में कितना 8, और प्लस के 2 वाई, प्लस के कितना 2 वाई, और माइनस के 4 इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इधर आके का हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब इसके नीचे एक मान लेते, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया कि जब 8 के साथ कोई एक संख्या हो ना, तो एक का होगा तो वही एलसीएम, 8 8 तो वही संख्या हो जाएगी ऊपर, 7 माइनस के 15 वाई प्लस, अब एक का भाग 8 देते, 8 दूनी 16 वाई बराबर कितना 4, ठीक है। अब इसके नीचे एक मान, इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो ये तो ऐसा कैसे होगा, अब 15 में 16 के क्या बचा वाई, और प्लस के कितना होगा 27 है, देख लो, नहीं तो भाई 15 में 16 के तो वाई, एक वाई तो बचा 27, ऐसा ऐसा कहीं 8 इधर कहाँ जाएगा गुणा में, तो 8 चौक 32 ऐसे करके, तो अब वाई बराबर कितना होगा 32 और माइनस के 27, तो वाई बराबर कितना होगा 5 होगा ना, वाई का मान कितना आगा 5 आगा, वाई का मान कितना आ गया जी 5 आगा, उत्तर मिलाओ जल्दी से, पहले वाई का मान 5 देखो, वाई का मान 5 सही, अब वाई का मान या तो, अब वाई का मान 3 में रखो या तो 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, 3 में भी, अब 3 में रखेंगे ना तो डायरेक्ट उत्तर निकल करके आएगा ऐसे करके, वाई 5 ऐसे करके डायरेक्ट, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब वाई का मान, अब देखो एक्स बराबर 9 माइनस के 5 वाई बटे में कितना 8 है, तब x बराबर 9 ऐसे ही 5 गुणा, अब y का मान कितना 5 और बटे में कितना 8, तो x बराबर 9 तो ऐसे ही और 5 5 25 और बटे में कितना 8 ऐसे करके, तो अब x बराबर, अब 25 में 9 के बचे 16, वो भी कहेंगे माइनस के और बटे में 8, अब 8 से ये क्या बार कट जाएगा बताइए, 2 बार, तो x की वैल्यू कितना माइनस के 2, उत्तर मिलाओ जल्दी, x की माइनस की आ गई 2, ठीक है। अब x का मान आ गया माइनस के 2 सही है, ठीक है। अब इनका स्क्रीनशॉट ले ले होगी प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, ये 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लो, फिर इतना लो, अब नीचे से ले लो, ठीक है, फिर इधर ले लो इधर, क्योंकि स्पीड इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जो प्रतिस्थापन हमने करके वजगुणन कर लेंगे, अब ये ले लो, ठीक है, ये अब देखो वजगुणन विधि से, वजगुणन विधि से लिख दो यहाँ पे 3 है ये, वजगुणन विधि से, वजगुणन विधि से क्या भाई फॉर्मूला, अब क्या मैं थोड़ा नया फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है, नया वाला, ठीक है। अब हमें ए वन बी वन ओ ही करने पड़ेंगे ना, तो जब ही तो हमें निकल आएगा, तो मैं यहाँ समीकरण फिर से लिख रहा हूँ मैं भाई, हम समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट लूंगा 8x प्लस के 5y माइनस के 9, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसके लिए मान रहा हूँ ना मैं समीकरण एक है ये। अब हमारे इसके लिए क्या भाई 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर के 0, ये होगी समीकरण 2, ठीक है भाई, तुलना करनी पड़ेगी, तो a1 की वैल्यू कितनी है 8, b1 कितनी है 5, c1 कितना है माइनस के 9, ऐसे करके लिखनी पड़ेगी, तो a2 की वैल्यू कितनी है 3, और ऐसे b2 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, ये होगी। अब वजगुणन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, अब तुलना करनी पड़ेगी, अब मैं फॉर्मूला नया फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले तो मैंने एक्स वाला डायरेक्ट लगाया था, लेकिन अब क्या वही ऐसा है ना कि आप ये कहोगे कि बार बार इस चीज़ करते हैं, देखो भाई हमें पता है भाई एक्स बटे, अब फॉर्मूला लगाना मैं एक्स बटे वाला करके, तो फिर समझ जाओ ऐसे बी वन क्या सी टू, तो देखो अब यहाँ बी वन है तो क्या करेंगे बी टू, और सी वन है तो यहाँ वो सी टू है तो यहाँ सी वन कर देंगे इस तरीके से, बराबर ऐसी वाई अपॉन अब ऐसी इसका सी वन ए टू, अभी हमने वन करा तो क्या करें सी टू, ए टू करा तो ए वन हो जाएगा इस तरीके से, बराबर यहाँ वन अपॉन, अब ऐसे इस किया ए वन बी टू, ए वन बी टू, ऐसे हमारा ए वन है तो ये क्या हो जाएगा ए टू, और बी टू है तो वी वन हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला वजगुणन का, ठीक है, ये अब मैंने इससे कर दिया, ठीक है। तो देखो अब एक्स तो ऐसी रहने दो, अब यहाँ इधर करते पहले एक्स अपॉन बी वन की वैल्यू क्या, यहाँ से उठा कर रखो 5 गुणा सी टू की वैल्यू क्या माइनस के 4, ठीक है, माइनस बी टू की वैल्यू क्या 2, रखते रहो वैल्यू उठा उठा कर, ठीक है, देखते रहना मैं ऐसे ही रख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, और सी वन की वैल्यू कितनी है माइनस के 9, माइनस के 9, ठीक है जी। अब ऐसे वाई के लिए रखो, वाई के लिए रख दो, वाई के लिए रखो वाई अपॉन, अब सी वन की वैल्यू कितनी है जी माइनस के 9 गुणा ए टू की वैल्यू कितनी है 3, ऐसी सी टू की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, माइनस के 4 गुणा ऐसी ए वन की वैल्यू कितनी है जी 8, ऐसे 1 अपॉन ऐसे, अब इसके लिए रखो भाई ए वन की वैल्यू कितनी है 8, और ए टू बी टू की वैल्यू कितनी है जी 2, माइनस अब ए टू की वैल्यू कितनी है 3, और बी वन की वैल्यू कितनी है जी 5,
ऐसे करके वैल्यू। अब इनको हल करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो अब एक्स अपॉन, अब देखो 5 × 20 का है कि माइनस के, क्योंकि ब्रैकेट 5 × 20 माइनस के, और माइनस माइनस कर दूंगा प्लस, और 9 × 2 = 18 ऐसे करके हैं। अब ऐसी वाई, ये वाई है, अब 9 × 3 = 27 ऐसे है। अब देखो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो 4 × 8 = 32 ऐसे करके, ठीक है। अब इसकी देखो भाई, एक तो ऐसे रहेगा, 8 × 2 = 16 और 3 × 5 = 15 ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, एक्स वाई की, तो ये कहले इसको तो वन मान लेते हैं, और इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। पहला पहली और तीसरी, क्योंकि अब अगर हम इन दोनों करेंगे तो एक्स वाई में बन जाएगी, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो पहली और तीसरी से कर लो और दूसरी और तीसरी से कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो इसे और भी, और अभी ऐसा यही मानो, तो ये थोड़ी सी हल हो जाएगी, इसको काटो अभी मत मानो, अभी थोड़ा सा और हल कर लो इसको, ठीक है, और हल हो जाएगा, इसको मानो मतना। तो देखो एक्स बटे, तो 18 में, अब ये काय के ज्यादा माइनस के ज्यादा, तो कितने 2 माइनस के 2। अब ऐसी वाई अपॉन, अब ये बताओ ये 32 है, ये 27, तो कितने बचे 5 बचे, और ये कितने 1/1। अब मान लो इनको, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, और ये होगी थर्ड, ठीक है। अब कर देंगे पहली और तीसरी से, पहली तीसरी से कर लो, पहली तीसरी से, पहली तीसरी से यहां कर लेते हैं, पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे से, तीसरे से। अब पहला क्या हमारा x अपॉन माइनस के 2, और अब 1/1, यही तो है 1/1, हाँ यही है। तो अब इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स एकम एक्स और 2 × 2 = 2 आगे ना आगे, देखो x की वैल्यू 2 आ गई, आगे ना आगे। अब लिख दो दूसरे तीसरे वे दूसरे से, ये आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं, ठीक है। अब तीसरे क्या 1/1, और दूसरे क्या वाई अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 5 की देखो वाई के, वाई एकम वाई और 5 × 5 = 5 आगे ना आगे इतनी, तो आता वाई कितनी और एक्स कितनी, ठीक है। ये हमारी अब वीडियो क्लियर हो चुकी है पूरी, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।